ओके सो ही गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो गाइस, ये जो सॉन्ग है ना, वो इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स मतलब अभी जाओगे रील्स पे, तो आपको ये सॉन्ग ज़रूर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में यार। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके सो इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, एंड गाइस बिटमार एंड सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसको इंपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके तो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। ओके सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ना यहाँ पे बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद जो कि इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो, करने के ज़्यादा इमेज है भी नहीं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे शुरू में चार ग्रुप से दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला वाला ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करके आपको प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके एंड फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी फोटो से वीडियो बनाना चाहते हैं, उस फोटो को आपको ऐड करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया नहीं करना है। ओके आपको सिंपली फोटो को सिलेक्ट करके दोबारा ऑप्शन पे क्लिक कर इसका जो लेंथ है वो लास्ट तक लेके आ जाना है। फिर आपको फोटो के साइड में लॉन्ग प्रेस कर रख के इसको सिलेक्ट करके जस्ट इस लेयर के नीचे कर देना है। ओके फिर यहाँ से बैक आ जाना है इस लेयर से, एंड बैक आने के बाद फिर आपको यहाँ पे जाना है एंड दूसरा लेयर पे क्लिक करना है। ओके दूसरा ग्रुप पे, एंड एडिट ग्रुप पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे दूसरा फोटो को ऐड करना है। इसी प्रकार से आपको लास्ट इसका लेंथ लेके आ जाना है एंड स्लाइड करके इस लेयर के नीचे कर देना है, एंड यहाँ से भी बैक आ जाना है। अब जो है आपको फिर तीसरा ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करके फिर से आपको फोटो को ऐड करना है, तीसरा फोटो को। फोटो आपका अलग अलग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, फोटो जो है आपका अलग अलग रहेगा। फिर आपको ये जो है ना जहाँ पे सेफ है वहाँ पे आपको इस फोटो पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन से फोटो को ट्रिम कर लेना। फिर भी जो फोटो को साइड में लॉन्ग प्रेस कर रख के इसको भी नीचे इस प्रकार से इस लेयर के नीचे कर देना। ओके एंड यहाँ पे सेप के हिसाब से ही इसका लेंथ रखना, सेप से आगे मत जाने देना। ओके तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, फिर इससे भी बैक आना, एंड फिर आपको चौथा ग्रुप में चले जाना है और एडिट ग्रुप पे क्लिक करके फिर से आपको चौथा फोटो को एडिट कर लेना है, एंड इसी प्रकार से सेप के साइज में जाके मतलब बराबर में जाके इसको ट्रिम करना और स्लाइड करके नीचे कर देना है। ओके एंड इतना कर लेने के बाद अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है, तो ग्रुप का जो लेंथ है सबका छोटा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे जो इस वाले मतलब ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना 3.15 सेकंड पे, फिर यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लेंथ को बढ़ा लेना। इसी प्रकार से सभी ग्रुप को, जितना भी ग्रुप का लेंथ कम हुआ सभी ग्रुप का जो लेंथ है इस प्रकार से आपको बढ़ा लेना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको शो होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। ओके इतना आपको कर लेना है। आप जैसे इतना कर लोगे फिर आपको शुरू में आना है और प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके एक और फोटो को ऐड करना है, और जहाँ पे आपका ग्रुप खत्म हो रहा है वहीं पे इसका जो लेंथ है आपको लेके आना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। फिर इस फोटो पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना, और जस्ट इस फोटो के साइड में मतलब लॉन्ग प्रेस कर रख के इस सभी ग्रुप के इसको नीचे कर देना है। ओके इतना आपको कर देना है फिलहाल के लिए। फिर आपको एरो पे क्लिक करके आगे बीटमार पे आ जाना है, यहाँ पे 3.15 सेकंड पे प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नॉर्मल फोटो को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। ओके फोटो को ऐड करना है इस प्रकार से, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फोटो को ऐड करना है, फिर फोटो को ऐड करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। तो अब यहाँ पे नॉर्मली हम इसी प्रकार से लास्ट जितना ही फोटो है ना सभी फोटोज़ को ऐड कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग दे सकते हो इधर फोटो नॉर्मल तरीके से ऐड करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो है पहले इधर सही फोटो को ऐड कर लेना। तो गाइस पहले मैं सही फोटो को इधर ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो पहले आप भी यहाँ पे सही फोटोज़ को ऐड कर लो। ओके ओके सो मैंने सही फोटोज़ को ऐड कर लिया है। जैसे फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं, अब यहाँ से बैक आ जाना है, सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट को ओपन करके पहले वाले फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, फिर बैक आके बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और जो हमने फोटो शुरू में ऐड करके सबसे नीचे किया था जस्ट उस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। ओके इतना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, इन सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे और आगे जाएंगे, और यहाँ पे जो 3 सेकंड पे फोटो इस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके इसका भी इफेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे एंड बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आगे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा पहला फोटो स्टार्ट हो रहा है 3 सेकंड पे जस्ट इस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके
पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। फिर आगे हम एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में इस वाले इफेक्ट को सिंपली पेस्ट करते जाएंगे। ओके तो शुरू कर एक फोटो इसमें पेस्ट करके फिर आपको एक फोटो छोड़ छोड़ के एक फोटो में पेस्ट कर देना है और लास्ट तक इसी प्रकार से आपको जो है कर लेना है। ओके तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको पेस्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको जैसे पेस्ट कर लोगे अब यहाँ से जो है ना आपको बैक आ जाना है और इसे के फिर पोजिट को जो है ना ओपन कर लेना है। अब इस सबसे के फिर पोजिट को ओपन करेंगे। ओके एंड इस प्रकार से ओपन कर लेना है, फिर बैक आना है, बिट मार्क पोजिट को ओपन करना है। ओके तो सेकेंड नंबर का जो फिर कॉपी कर लेना वहाँ से, तो मैंने शायद बोला नहीं। ओके जो सॉरी गाइस जो थर्ड नंबर का फोटो इसे इफेक्ट कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके जो भी बचा हुआ फोटो सिंपली उस वाले फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट कर देना। ओके तो गाइस मैंने शायद बोला नहीं है। ओके तो वहाँ पे जो ना जो सबसे लास्ट लाइव फोटो रहेगा उसको कॉपी कर लेना। ओके तो इस प्रकार से आने के इस मतलब वहाँ पे इफेक्ट को कॉपी करके फिर आके यहाँ पे जो भी फोटो बचा हुआ है उसमें पेस्ट कर देना। ओके तो यहाँ से आपको फिर बैक आना है, सेकंड फिर पोजिट को ओपन करना है। तो ये जो इफेक्ट है ना इसको आपको कॉपी करना है इस वाले फोटो से। ओके तो शायद मैंने बोला नहीं था तो फिर से बोल दिया हूँ। सो गाइस फिर आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कर रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर करना है, बैक आना है, बिट मार्क पोजिट को ओपन करना है। शुरू में ही आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है। ओके फिर आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है और जहाँ पे आपका फोटो खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है वो लास्ट तक लेके आ जाना है। तो गाइस जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। सो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो तो वीडियो कुछ इस प्रकार की बनेगी। ओके तो गाइस यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।